और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं और कहा जा रहा है कि वो जेल में ठीक से खाना नहीं खा रहे। अरविंद केजरीवाल की डाइट पर सियासी फाइट इस वक्त दिल्ली के अंदर हो रही है। सेहत को लेकर, केजरीवाल की सेहत को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। ताजा विवाद उपराज्यपाल के प्रधान सचिव की मुख्य सचिव को लिखी गई चिट्ठी के बाद सामने आया। इसमें अरविंद केजरीवाल पर सही डाइट नहीं लेने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल प्रशासन से लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केजरीवाल को साजिश के तहत जेल में मारने का आरोप लगाया है। शुगर डाइट, सियासी फाइट, क्या जेल में हो रही है केजरीवाल के खिलाफ कोई साजिश? जेल में केजरीवाल, सेहत पर सियासी बवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद केजरीवाल की शुगर वाली डाइट पर जोरदार सियासी फाइट हो रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर सही डाइट नहीं लेने का आरोप लगाया है, जिसमें तबीयत का जिक्र भी है। प्रधान सचिव ने कहा है कि केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी ले रहे हैं। रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने 6 जून से 13 जुलाई तक 3 बार के खाने में कम कैलोरी डाइट ली। उनका वजन भी 2 किलो कम हो गया। डाइट मॉनिटरिंग चार्ट के मुताबिक उन्होंने डाइट का पालन नहीं किया। 6 जुलाई को केजरीवाल 3 वक्त की डाइट पालन के हिसाब से नहीं ले रहे। 7 जुलाई को उन्होंने डाइट सही नहीं ली। LG वीके सक्सेना ने केजरीवाल की सही डाइट नहीं लेने को लेकर चिंता जताई। तिहाड़ जेल के अधिकारियों को मुख्यमंत्री को डाइट फॉलो करने के लिए कहा। इस ताजा चिट्ठी के बाद दिल्ली की राजनीति में विवाद का नया चैप्टर जुड़ गया है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है, ये क्या मजाक कर रहे हैं LG साहब, क्या कोई आदमी खुद की शुगर कम करेगा? ये बहुत खतरनाक होता है। LG साहब को अगर बीमारी के बारे में पता नहीं है तो उन्हें ऐसा लेटर नहीं लिखना चाहिए। ईश्वर ना करे कभी आपके साथ ऐसा समय आए। केजरीवाल को शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया। 12 जुलाई को उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि जेल से बाहर वो नहीं आ पाए क्योंकि 26 जून को CBI ने करप्शन के आरोप को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया। 25 जुलाई तक केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है। केजरीवाल की डाइट के बहाने लगातार आम आदमी पार्टी, BJP और तिहाड़ जेल प्रशासन पर सवाल उठाती रही। उनको लगातार बॉडी एक और वीकनेस हो रहा है और उनको लगातार शुगर लेवल गिरने की समस्या आ रही है। यह आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह तिहाड़ जेल के सरकारी डॉक्टर कह रहे हैं। अगर इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल लगातार गिरता रहा, खतरनाक लेवल्स तक पहुंचता रहा, और खास करके रात के समय में अगर शुगर लेवल गिरता रहा, तो अरविंद केजरीवाल जी कोमा में जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर BJP का भी पलटवार है। दिल्ली BJP प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है, जब केजरीवाल को जमानत मिलती है तो वो इलाज के लिए नहीं जाते। जमानत के दौरान उनका चुनावी कैंपेन और राजनीतिक टिप्पणियां नई ऊंचाइयों पर पहुंचती हैं। सीनियर डॉक्टरों का कहना है कि कोमा में जाने की बात कहना सहानुभूति हासिल करने की कोशिश है। वो जानबूझकर लो कैलोरी फूड ले रहे हैं, खाने की मात्रा कम कर रहे हैं। 6 जून से 13 जुलाई के बीच लगातार अपनी डाइट को कम कर रहे हैं कि किसी तरह से वजन कम हो जाए और वो सहानुभूति न्यायालय के सामने रख सके कि मुझे तो बेल चाहिए, जेल में मेरा वजन कम हो रहा है। मैं हैरान हूं, जितने दिन वो बेल पर थे 21 दिन तक लगातार उन्होंने दिल्ली में प्रचार किया, सुबह से शाम मेहनत की, दौड़ते रहे, सब जगह बात करते रहे, तब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जेल जाने से 2 दिन पहले उन्होंने स्वांग रचना शुरू किया कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, और वही 6 जून से 13 जुलाई के बीच तिहाड़ जेल में दिखाई दे रहा है कि घर से खाना आता है बनकर लेकिन खाते नहीं है, कम कर देते हैं क्योंकि किसी तरह से वजन कम हो जाए, और ये 2 किलो वजन जो कम हुआ उसका मूल रूप से कारण यही है। दिल्ली में केजरीवाल की सेहत पर सियासी संग्राम लगातार छिड़ा है। जब से केजरीवाल जेल में गए हैं तब से आम आदमी पार्टी इस केस में तिहाड़ जेल प्रशासन के बहाने BJP के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी है। 22 जून को भी आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल का वजन घटने का दावा किया था।
आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि 22 जून तक केजरीवाल का वजन 8 किलो गिरा। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि 21 मार्च को केजरीवाल का वजन 70 किलो था। केजरीवाल की डाइट के बहाने दिल्ली में सियासी पारा एक बार फिर से हाई है। ईडी ने 18 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा था कि केजरीवाल खराब सेहत का बहाना लेकर जमानत लेना चाहते हैं। ईडी ने दावा किया था कि दिल्ली सीएम तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि शुगर लेवल बढ़ जाए, मेडिकल के आधार पर उन्हें जमानत मिले। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि जेल में केजरीवाल की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, उन्हें मारने की साजिश हो रही है। केजरीवाल की सेहत पर सियासी संग्राम तेज है जो थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।